प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का बौद्धिक संपदा विषय पर दो दिनी सेमिनार शुरू हुआ, जहां सेमिनार के शुभारंभ अवसर पर शामिल होने आए प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को संबोधित करते हुए सरकार और न्यायपालिका में आगे भी अच्छा तालमेल बने रहने की बात कही। देखिए खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सेमिनार का शुभारंभ किया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार केत, जस्टिस संजीव सचदेवा, महाधिवक्ता प्रशांत सिंह भी मौजूद रहे। सेमिनार के शुभारंभ अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को विक्रम बेताल की कहानी का किस्सा सुनाते हुए खास संदेश दिया है। आपने की बात कही तो हमारे यहाँ कहा गया यह तो धर्म तत्व जय, जिस मार्ग पे हम धर्म को तलाशेंगे वही जय भी मिलेगी, और इसी नाते से अगर आपने विक्रमादित्य की बात कही तो विक्रमादित्य और ऐसे मैं उज्जैन से भी आता हूँ, ये बात भी सही है। संयोग से बहुत सारे कारण से अलग अलग डिग्री में लाखी डिग्री भी मेरे पास है, तो उसका आनंद भी महसूस करता हूँ, लेकिन मूलतः जहाँ से आता हूँ वहाँ के बारे में आपने बता ही दिया है, तो मैं इतना सा एक घटनाक्रम याद दिलाता हूँ विक्रमादित्य और बेताल का। मूलतः बेताल आज के सब्जेक्ट से जुड़ के आएंगे, अगर मैं बात कहूँगा काल के प्रवाह में बहुत सारी बात ऐसी हो जाती है कि बेताल को भूत बता दिया जाता है। बेताल भूत नहीं है मूलतः। एक हमने रिसर्च सेंटर भी चालू कराया है विक्रमादित्य का उज्जैन में, उसमें अलग अलग प्रकार की फेलोशिप दे करके उस सारी बातों को भी संकलित करने का प्रयास किया, लेकिन वो नई बातें अभी तो मैं घटनाक्रम सुनाता हूँ विक्रमादित्य और बेताल के प्रसंग का, वो अपने सब्जेक्ट से जुड़ेगा ऐसा मैं मान के चलता हूँ। बेताल और विक्रमादित्य के संवाद हो रहा है, बेताल को साथ में रखने के लिए विक्रमादित्य अपने प्रयत्न कर रहा है, उसको साथ ले जाने के प्रयत्न में बेताल उसको टालने के लिए कहानी सुनाता है। तो कहानी का सार ये है कि वो एक घटनाक्रम सुनाता है कि एक ऋषि की कन्या है, और ऋषि की कन्या बहुत बुद्धिमान है, बहुत शरीर से भी अच्छी है, लेकिन उसकी अभी विवाह नहीं हुआ, उससे तीन अलग अलग लोग विवाह करना चाहते हैं, और विवाह के प्रसंग में घटनाक्रम ये घटता है, एक सेनापति है, एक व्यू राजकुमार है, एक वहीं का वनवासी है। संयोग ऐसा होता है कि कोई घटना घटती कि बेटी का शरीर छूट जाता है। इसी के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार और न्यायपालिका में आगे भी अच्छा तालमेल बना रहेगा, सबको चुनौती के रूप में आएगा, अलग अलग प्रकार की चुनौतियों में। आम तौर पर जब हम अभी न्याय की व्यवस्था को देखते हैं तो वो केवल भौतिक संपदाओं से जुड़ी एक अलग की ढांचे से हम सब चल रहे हैं, लेकिन आने वाले कल में हमको अब इन सभी चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये विषय जितना जटिल है उतना ही ज़्यादा जरूरी भी है, केवल जटिलता से छोड़ा नहीं जा सकता। जितनी गंभीरता के साथ इस सत्र का आयोजन करने के बारे में मन बनाया होगा, मैं मान के चलता हूँ आज के दौर में उतनी ज़्यादा आवश्यकता इस बात की, क्योंकि अब ये न्याय से जुड़ी बात जब आएगी तो जमीन व्यापार धन तमाम विवादों के हमने निराकरण किए हैं, और उसको करना थोड़ा सा हमारे लिए वो भी कठिन था, लेकिन हमारी न्याय परंपरा से हमारे सभी न्यायालयों ने अपनी अपनी बहुत अच्छी भूमिका अदा की, लेकिन अब ये 21वीं सदी का समय चल रहा है, नॉलेज सदी भी इसको कहते हैं, ऐसे में स्वाभाविक रूप से वो सारी चुनौतियाँ हमारे बीच आएगी, जो नई रिसर्च, नए आइडिया, नई मेडिसिन के फार्मूले कहाँ कहाँ से क्या क्या निकल के आएगा मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये सारी चुनौतियाँ हम सबके सामने आने वाली,
और जैसी चुनौतियां आएंगी उसमें सबसे बड़ी संपदा ज्ञान संपदा का निर्धारण करना है। और जब ज्ञान संपदा का निर्धारण करने की बात आएगी तो स्वाभाविक रूप से हमको मालूम है कि ये जो विचार हैं, ये रचनात्मक विचारों की धारा कहाँ से निकल आए। आपने बहुत अच्छा वेद परंपरा का उदाहरण दिया है और ऐसे में हमारे विभिन्न आविष्कार, ये सब बौद्धिक संपदा संबंधित अधिकारों की सुरक्षा के प्रश्न खड़े होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इसमें न्यायपालिका पे हमारा वजन बढ़ेगा। और मैं मान के चलता हूँ आज के इस दौर में जब हम अपने इस विकास के तंत्र को देखते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिनके कारण से वर्तमान के दौर में पहली बार 2016 में न्याय संपदा की नीति बना करके उनने हमको इस मार्ग पर एक तरह से चलना भी बताया और सरकार के माध्यम से हमारी लाइन भी डिसाइड की। और हमने सबने देखा काल के प्रभाव में जो कठिन समय गया, मैं न्यायपालिका को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जब कोविड के कठिन काल में भी हमने आधुनिक समय के साथ चलना सीखा। इतने कठिन काल में जब सब कुछ ठप्प हो गया, जान के लाले पड़े थे, लेकिन आपने अपना धर्म निभाया, न्यायालय ने अपनी भूमिका अदा की और न्याय की उस निर्बाल रूप से बहने वाली गंगा की धारा को बनाए रखा। मैं आप सबको बधाई भी देना चाहूँगा। और बदलते दौर में आज के इस अवसर पर, चूँकि हम सब जानते हैं कि कानून और व्यवस्थाओं के आधार पर चलने वाले शासन तंत्र की कामना करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कानून के लिए, कानून की व्यवस्थाओं के लिए जहाँ जहाँ जो जरूरत पड़ेगी, सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हूँ। निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करता हूँ आज के इस सत्र के साथ, जब आप दो दिन में अपने में उज्जैन का एक विशेष कारण भी है, वो अमृत मंथन की नगरी भी, तो आपके विचारों के अमृत मंथन से जो कुछ निष्कर्ष निकलेगा, निश्चित रूप से सरकार, हम और आप मिलकर के मध्यप्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम वो व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे जिन व्यवस्थाओं की यहाँ के विचारों के बाद जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का बौद्धिक संपदा विषय पर दो दिनी सेमिनार शुरू हुआ, जहां सेमिनार के शुभारंभ अवसर पर शामिल होने आए प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।